नहीं, अभी तो मेरा रोज़ा नहीं है, लेकिन मैं रोज़े रख रही हूँ माशाल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह मियाँ। बाकी रोज़े भी, आज का रोज़ा जो है थोड़ा सा पता नहीं क्यों मुश्किल था। एमन हाय, अस्सलाम वालेकुम। ओके, यू गाइस कैन हियर मी। तो कैसे जा रहे हैं आपके रोज़े? बहुत अर्सा हो गया मेरी आपसे बात नहीं हुई थी, एंड आई वाज लुकिंग फॉरवर्ड टू कम एंड टॉक टू यू गाइस। और बताएं आपके रोज़े कैसे जा रहे हैं, क्या हो रहा है आजकल? और एक क्वेश्चन था मेरे माइंड में जो मैं सोच रही थी कि आप लोगों से डिस्कस करूंगी, उसके बारे में हम बात करेंगे। और क्वेश्चन ये था कि ये जो नज़र होती है, ये वाकई में ऐसी होती है कि मतलब इंस्टेंट एकदम से लग जाए, और ऐसा मतलब किसी के साथ कोई ऐसा हाय आसिम क्या हाल है आपका, ऐसा कुछ सीन होता है कि आपको एकदम से नज़र बस लग जाए? और ऐसा कभी हुआ है आपके साथ? पता नहीं क्यों आज मेरे माइंड में ये बात आ रही थी, तो आई थॉट कि मैं आप लोगों से डिस्कस कर लूं। अच्छा, इंतकाम तो खत्म हो गया, अच्छा था ड्रामा, मैंने तो बहुत एंजॉय किया। तो मैं आपसे पूछ रही थी कि व्हाट इज योर टेक ऑन नज़र? नज़र इज रियल, या दैट आई नो, बट यू कैन शेयर योर एक्सपीरियंस विद मी इफ यू वॉन्ट टू। वेल्डिंग हो रही है एकदम से आजकल, नहीं हो रही। आई गेस आसन ज्यादा बातें मत करो, वेल्डिंग वेल्डिंग नहीं हो रही यहाँ पे कुछ भी, समझ आ रही है? तुम कर रहे हो टर्की में वेल्डिंग? हाँ, आसिम आसिम इज अ भाई जो बात करते हैं उससे बात वंडरफुल, करते हैं, आसिम इज अ वेरी वंडरफुल पर्सन। उनसे He's कहा a very उनकी good बहुत friend बड़ी of mine, and फैन। my cousin is a very big fan of I've yours. met him. I've met him. Yeah, who else is say my name? क्या मतलब, क्या खुशी क्या होती आपका है? नाम लेके क्या खुशी होती है? Let me talk. मतलब क्या खुशी होती है कि मैं आपका नाम लूंगी तो वो, मैं खुशी जानना चाहती हूँ। शदीद में शाबाश, मैं सदके मैं वारी जावां तेरे ते। शदीद वेल्डिंग, शदीद ही वेल्डिंग करनी होती है, ये कोई कम शम वाली वेल्डिंग तो कोई किसी काम की नहीं होती। नजर लग जाती है ना? हाँ, मुझे भी ऐसी फीलिंग आती है। पहले मुझे लगता था कि नहीं, मतलब इतना कोई इतनी भी नहीं होती बात कि नजर लग जाए, लेकिन मैंने नोटिस किया है कि भाई लग जाती है। क्या क्या तुम्हें पता, मैं तुमसे पूछ रही हूँ। थैंक यू सो मच मकाफात। हाँ, मैंने भी अभी एक उसके प्रोमो देख दे यार। यू टू बडी, खुश रहो हमेशा। तो क्या आपने फिर नहीं करनी कोई अच्छी बात? मतलब ये क्या आप लोग अजीब ड्रामा, नेम से माई नेम, क्या क्या बातें हैं ये, कि क्या बातें हैं ये, क्या बातें होती हैं मुझे नहीं पता। कोई काम की बात नहीं करनी आती आप लोगों को? ओह, दैट्स सो स्वीट ऑफ यू, आप हमारी हर दुआ में शामिल हैं, बिग फैन ऑफ योर्स कामरान अफसल। थैंक यू सो मच, दैट्स सो स्वीट ऑफ यू, रियली दैट्स सो नाइस ऑफ यू। वालेकुम असलाम, जिन्होंने अभी ज्वाइन किया है, हेलो, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं हाल चाल? और आई वॉज टॉकिंग अबाउट नज़र, कि आप लोगों को क्या लगता है कि नज़र जो है वो बस ऐसे ही बातें बनी हुई हैं, या सच में ही मतलब कि एकदम से लोगों की नज़रें ऐसी होती हैं कि नज़र लग जाती है, ऐसा कुछ सीन होता है कि मतलब जेलसी नज़र इतनी ज़्यादा मतलब शदीद होती है
या नहीं? रोजे मेरे बहुत अच्छे जा रहे हैं. आज का रोजा थोड़ा डाउन सा था, बट इंशाल्लाह कल का इंशाल्लाह और भी अच्छा होगा, और अल्लाह मियां मुझे बाकी के रोजे भी रखने की तौफीक अता फरमाए, आमीन. वो तो मुझे भी पता लगती है, लेकिन कोई किस्सा बताए ना, कोई स्टोरी बताए ना कि क्या करूं ऐसा मैं कि हाँ, मैंने भी सुना हुआ है बहुत स्टोरीज ऐसी के ये फजूल बातें करने वाले लोग तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है. एक बटन होता है ब्लॉक का, वो मैं प्रेस करूंगी और आप चले जाएंगे, तो मतलब जरूर फायदा नहीं होता ना ऐसे फजूल बातें करने का. कोई अच्छी बात करनी है तो कर ले. चाची की नजर लगी है आपको यार. वैसे यू आर राइट. ये जो आपको क्या लगता है, नजरें लोगों की लगती है या रिलेटिव्स की लगती है? मतलब क्या क्या क्या, प्लीज मुझे बताएं, मैं सुनना चाहती हूँ कि ये ऐसा क्या 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 सीन होता है. हाँ फरवा, यू आर राइट. सूरत को असर वाकई में पढ़नी चाहिए, और वाकई में बस आप वो पढ़ लें और एक तो सुकून इतना मिलता है, और दूसरा जो है ना वो आपको हो जाता है कि भाई ठीक है, बला टली. आप सही कह रहे हो कामरान, इट डिपेंड्स अपॉन अ पर्सन. वाकई में ये जो पत्थर पार्ट, ये क्या बोलते हैं, मुझे क्या यही बोलते हैं ना, पत्थर समथिंग ऐसा कुछ, तो वो होता है. वैसे मैंने नोटिस किया है कि बुरी नजरें, मतलब पता चल जाता है लोगों की आंखों में आ जाता है कि दे आर नॉट हैप्पी इन योर हैप्पीनेस और इवन विद यू. बहुत तो मुझे लगता है कि आप, आई गेस दिस इज व्हाट आई लर्न फ्रॉम माय लाइफ, के जितना आप दूसरों की खुशी में खुश होंगे, अल्लाह पाक आपके लिए उतनी अच्छी चीज़ें करेंगे. मुझे ऐसी फीलिंग आती है, तो आप बहुत ज़्यादा खुश हुआ करें दूसरों की खुशी में, और अच्छी बात है, अच्छी प्रैक्टिस है. एक्सेप्ट करूँ तुम्हारी रिक्वेस्ट? ओके. एक सेकेंड तो लिया. हेलो. कैसे है मेरा दोस्त? यार मैं नजर पे मत कुछ, जरा प्लीज कुछ अपने. हाँ मैं इसीलिए जो है मैंने पार्टिसिपेट करने की कोशिश की है. मैंने कहा मैं भी बता दूं कि नजर मेरे जहन में क्या आता है. और यार नजर के बारे में ये है कि बरहक है और लग जाती है. बट ये जरूरी नहीं होता कि कोई आपको बुरी नजर से देखे तो ही आपको नजर लगती है. बट ये है कि कोई हसरत की नजर से भी आपको देखे ना, बेशक वो पॉजिटिव वे में हो और हसरत की नजर से आपको देखे तो भी लग जाती है. अच्छा या सो लगती तो है. ये बात बताई है, लेकिन पता क्या, इसका एक तो आपका ईमान होना चाहिए. ईमान ये होना चाहिए कि भाई कुछ भी हो जाए, सबसे बड़ी ताकत तो अल्लाह के खिलाफ में पाक की है. तो कुछ भी हो जाए तो उससे आगे कोई चीज भी नहीं है. और दूसरी चीज ये है कि अगर आप सदका करते रहो ना वक्तन से वक्तन. और किसी ने सूरत कौसर का भी लिखा हुआ था कि वो भी आप पढ़ते रहें, जो एक्चुअली मैं वही मुझे, मैं बहुत हाँ मैं पढ़ रही हूँ. वही बात आती है ना. तो मेरा जो एक्सपीरियंस है वो मुझे समझ में आता है कि भाई बिल्कुल नजर लगती है आपको. मैं वैसे तो मैं अक्सर तुम्हें पता है बहुत प्यारा गया होगा लेकिन आई एम जस्ट किडिंग. सो लेकिन कई दफा होता है, लेकिन कई दफा होता है लिटरली कई दफा ऐसा होता है कि मैं कुछ पोस्ट लगाता हूँ या कोई यू नो कोई ऐसी चीज स्पेशल चीज होती है. तुम्हें पता है हमने शूट पे भी, मैंने तुमसे एक दफा बोला था कि यार मतलब पिक्चर्स मैं लगाने शुरू करती हूँ ना तो पता नहीं क्या होता है, नजर लग जाती है. तुम्हें याद है हम इस बारे में बात कर रहे थे शूट पे एक दिन,
तो ये होता आई है, रिमेम्बर. ऐसे होता है. मुझे पता है, आई नो अ लॉट ऑफ पीपल लव अस अ लॉट. बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हमें जेन्युइनली कभी मिले नहीं है, हमें जानते नहीं है, लेकिन वो हमें बहुत दुआएं देते हैं. लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो जिनको नहीं डाइजेस्ट होता आपकी सक्सेस या आपकी इवन आपकी प्रेजेंस, या लेट्स सपोज यू आर डूइंग समथिंग बेटर देन देम और इवन यू आर डूइंग समथिंग, उनको ये डाइजेस्ट नहीं होता. तो मतलब कहते हैं अच्छा यार ये बंदा ये कर रहे हैं, हम ये क्यों नहीं कर रहे. अरे हम ये क्यों नहीं कर रहेगा, आप जिसके जो नसीब में है उसे वो मिल लेगा. आप जब ये चीज अपने जहन में बिठा लें तो फिर तो कोई बात ही नहीं रह जाती, क्योंकि हर एक को उसके नसीब का मिलना है. आपकी किस्मत में जो है वो आपको मिलेगा, जो मेरी किस्मत में है वो मुझे मिलेगा. तो जब ये चीज हम समझ जाएंगे तो फिर मुझे लगता है कि ये जेलसी फैक्टर और ये हसद ये खत्म हो जाएगा, है ना यार. मुझे ऐसा लगता है कि अगर अगर फर्ज करो हम जरा बादल नजर में देखें इसको, तो जो गोरे होते हैं उनको नजर क्यों नहीं लगती? तो बेसिकली उनको भी लगती है, उनको भी लगती है. तभी तो वो कहते हैं गॉड ब्लेस यू और समथिंग एल्स, जो भी उनकी अपने अपने मजहब के लिहाज से चीजें होती हैं. सो होती उनके साथ भी ऐसी चीजें होती हैं. बट द केस इज, बात फिर वही आती है कि आपको ये चाहिए, आप बच कैसे सकते हो? लगती तो है, ये तो पक्की बात है, बट आप बच कैसे सकते हो? तो उसका वाहिद हल यही है कि आप सदका देते रहो. और सदके के बारे में हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सदके में मौत के अलावा हर हर चीज का वो उसमें जो है ना शिफा है, लाइक हर हर चीज को टाल देता है वो मौत के अलावा. तो ये अगर चीज है तो लाइक सदका करते रहो. तो यार मैंने कभी रोजे छोड़े नहीं अल्हम्दुलिल्लाह. और ये कोई मुझसे सवाल करता है ना ये वाले कि रोजे रख रहे हो, तो मुझे बड़ा सॉरी, मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मैं पिछले लास्ट टाइम मैंने नहीं मतलब रखे, और मतलब उस तरह से नहीं रखे जैसे मतलब एक होता है ना रोजों का एहतमाम वाली चीज, वो नहीं था. तो वो पता नहीं क्या अजीब सा कुछ सीन था, फील नहीं आई डोंट नो कुछ अजीब सा, बट माशाल्लाह. यार द थिंग इज दो चीजें होती हैं. एक चीज तो ये है कि एक तो एक साल बाद आता है रमजान, ठीक है. ऊपर से अगर आप देखो तो इतने फायदे हैं रोजे रखने के, इतने फायदे हैं इबादत के अलावा भी. अगर आप साइंटिफिकली देखो तो बहुत सारी चीजें हैं जो लाइक स्टमक को भी जरूरत होती है रेस्ट की और एंड ऑल दैट, और बहुत सारी चीजें आपके फायदे के लिए होती है, वो भी करते हैं. तो फिर हाँ मतलब तो एग्जैक्टली स्पेशली, और ये रेमेडी है एक किस्म की ना, जो लोग नहीं भी इस्लाम को मानते हैं हाँ वो भी रेमेडी करते हैं ये कि वो जी 8 घंटे का 8 घंटे की फास्टिंग करते हैं ताकि वो जो जो स्टमक है वो आपका रिलैक्स रहे. दूसरी बात ये होती है कि एक तो एक साल बाद आते हैं, दूसरी बात ये होती है कि कम अज कम थोड़ी बहुत तो हम गुनाहगार लोग हैं, ठीक है, कोई ना कोई गलती सरजद होती रहती है. तो एक सेटिस्फेक्शन रहती है कि यार अच्छा चलो जहाँ हम बुराइयां कर रहे हैं अल्लाह उससे भी बचाए, लेकिन एक सेटिस्फेक्शन रहती है कि यार वहां कुछ ना कुछ हम नेक काम भी कर रहे हैं ताकि थोड़ा ना बैलेंस रहे और थोड़ी सी शर्मिंदगी कम हो रोजे के अहमद अल्लाह के पाक के सामने. तो मेरा ख्याल है कि रोजा रखा हो ना तो एक्चुअली में ये नहीं है कि हम बड़ी कोई रिलीजियस बनने की कोशिश कर रहे हैं, बट एक नेचुरली आप कुछ बहुत सारी चीजें होती हैं आप कहते हो नहीं यार रोजा है ये नहीं करना, रोजा है ये यू नो कोई गलत बात या कोई मतलब बहुत यार एक बिल्कुल बिल्कुल सही कह रही हो. आज मैं आज का जो एक्सपीरियंस मेरे साथ हुआ मैं वो शेयर करता हूँ तुम्हारे साथ भी और व्यूवर्स के साथ भी. कि आज हुआ क्या कि मैं शूट पे जाने वाला था, तो कहने का मकसद ये है कि रोजा जो है वो आपको ना सिर्फ बुराइयों से बचाता है बल्कि ऐसी चीजें जो आप नॉर्मल वे में कर जाते हो उनसे भी रोकता है. तो हुआ क्या कि वो ड्राइवर अंकल थे, ठीक है, उन्होंने मुझे कॉल की, मेरे घर के पास पहुंच गए कि मैं मस्जिद के पास खड़ा हूँ. तो मैंने कहा भाईजन मेरे पास तो सामान है तो आप आगे आ जाए, गेट है, गेट के अंदर कम्युनिटी शुरू हो जाती है, आप आगे आओ तो आगे मैं नीचे खड़ा हूंगा. तो उन्होंने कहा ठीक है. तो जब मैं नीचे गया तो वो नहीं आ रहे थे. फिर मैंने दोबारा उनको कॉल की, मैंने कहा अंकल मैं यहाँ पे खड़ा हूँ तो आप प्लीज आ जाएं. तो उन्होंने कहा अच्छा मैं आ रहा हूँ. तो उन्होंने ना फोन काटा नहीं,
उन्होंने फोन काटा नहीं गलती से, अब वो वहां से लेके यहां तक पहुंचने तक मुझे गालियां दे रहे हैं लिटरली। कैन यू बिलीव दैट। और मैं सुन रहा हूँ, मैंने कहा पता नहीं शायद किसी को बाहर मतलब कर रहे हैं। सो अच्छा, मेरा तो उस वक्त इतना पारा हाई हुआ ना, मैंने कहा यार मैं ना इनको सुनाता हूँ, अगर आते हैं ना तो मैं उनको कहता हूँ भाई आपने फोन नहीं काटा था, मैंने सब कुछ सुन लिया। तो वो मुझे ही कह रहे थे बेसिकली, क्योंकि वो गालियों के साथ साथ ना कुछ बोल भी रहे थे कि पता नहीं गलियों में घर ले लिया और पता नहीं क्या क्या, वट एवर द केस। सो तुमने तो देखा हुआ, तुम्हें पता है इतना ज्यादा भी नहीं है। तो क्या कहता है, मैं पहले बैठ के ना मैं बोलने लगा, मैंने कहा मैं इनको जो है ना सुनाता हूँ कि अंकल जी मैंने सारी कन्वर्सेशन सुन ली है, तो ये अच्छी बात नहीं है। फिर मैंने सोचा, मैंने कहा एक तो बुजुर्ग आदमी है, ऊपर से रोजा रखा हुआ है, मैं क्यों अपने आप को, मैंने कहा आसिम भूल जा कि तुमने कॉल सुनी है, मैंने कहा कट गई थी, खत्म हो गई बात। मतलब देखो, तो ये एक अच्छी बात है कि वो तुम अगर सिर्फ और चाहते सिर्फ ना तो रोजे की उसकी वजह से। शिकायत भी कर देते प्रोडक्शन में, तुम उस ड्राइवर को दोबारा एग्जैक्टली आने मैंने नहीं कुछ भी नहीं देते, किया। ये सब चीजें तुम्हारे हाथ में थी, हाँ बट चलो। और अगर नॉर्मली ऐसा होता तो मैं कर देती ऐसा, तुम्हें नहीं पता नहीं मेरा वो शायद मैं भी कर देता, मूड मैं सिर्फ एक बात बता रहा हूँ कि रोजे की वजह से वो ऐसा ऐसी एग्जैक्टली चीज जो मैं शायद नॉर्मल वे में कर जाता कर देते। वो मैंने नहीं किया, हाँ वो मैंने नहीं नहीं किया। किया। तो बात फिर वही हाँ आती है कि कोई कहीं ना कहीं आपको रोजा जो है वो कर ये लेता है। तो थॉट यार आती है नीचे ना आपके कि लाइक फैंस, वो करो तुम्हारे नीचे फैंस बोल फॉरगिवनेस। रहे हैं कि हाँ हमारी बात भी सुन लें। तो क्या, हाँ क्या अल्हम्दुलिल्लाह कह रहे जी, हैं आई एम गुड। कमेंट्स भी पढ़ लो। ओके जी, मैसेज भी रीड करें। अच्छा जी, अब हम मैसेज रीड करते हैं। तो बात। जैसे जैसे मुझे, मैं ये आसिम मुझे ये बताओ कि जब लाइव आओ तो ये लोग बोलते हैं सेम माय हाँ नेम, सेम माय मैं बताता हूँ उसका, उसकी रीजन क्या होती है। मुझे ये लेट मी टेल यू, लॉजिक लेट मी बताओ टेल यू। तो। नहीं, उसकी लॉजिक ये है कि देखो मैं आपको बताता हूँ हाँ कि हमें ये अच्छा लगता है, मतलब फर्ज करो मैं फैन हूं किसी का, तो मुझे ये अच्छा लगता है कि उस इंसान, जिस इंसान का मैं फैन हूं, उसके मुंह से मेरा नाम निकला है, यू नो, तो वो बड़ा एक अच्छा लगता है, अच्छा लगता है। यस, आसिम मेरी तो मैं स्कूलिंग तो कर रहा है हमेशा आज। कोशिश करता हूँ, नहीं मैं सच बोल रहा हूँ, मैं वो बात कर रहा हूँ जो लाइक जेन्युइनली है, और ये लोग मेरी बात को सेकंड भी एक्चुअली करेंगे। भाई नहीं, मैं बिल्कुल, तुम्हें पता है मैं बिल्कुल, आई एम दैट काइंड ऑफ अ पर्सन के आई लर्न फ्रॉम एवरीबडी। मैं हर एक से सीखती हूँ, और मैं अपना जो है ना ब्रेन का वो वाला बॉक्स, ये वाला जो है ना, मैं हमेशा ओपन रखती हूँ हर वक्त, क्योंकि आपको पता नहीं होता लाइफ में एवरी डे आप इतने लोगों से मिलते हो, अच्छे बुरे बहुत सारे, और आप उनसे बहुत चीजें सीखते हो, वो वाली चीजें जो आप कहते हो कि ये लाइफ में मैं अप्लाई करूंगी और ये मैं करूंगी, और बहुत सारी ऐसी चीजें जो आप कहते हो यार ये मैंने नहीं करनी, तो एग्जैक्टली वो वाला एग्जैक्टली बॉक्स जो है ना खुला रहना चाहिए, और हमेशा खुला रहना चाहिए। मैं जितनी मर्जी बुढ़ी हो जाऊंगी मैं सीखती रहूंगी। हाँ तो ऐसे हाँ भाई, ही सीखने का है। सीन है बहुत सारा। तो और बाकी मैं भी और इधर बताओ, ना सब पता नहीं सेट किधर गया काम है कैसे चल रहा है? मैं तुम कराची में, आजकल लाहौर में हो? तुम लाहौर कराची में, में, लाहौर में? अच्छा, लाहौर लाहौर में हो में तुम, तो अब ईद के बाद खुशहाली ही दे आओगी फिर तुम। तो ग्लोरी दे। मैं तुम्हारा पता नहीं आज देख रहा था या कल देख रहा था, कोई मकाफात था या पता नहीं कौन सा था, आई डोंट नो, आई डोंट रिमेम्बर, क्योंकि अब तो माशाल्लाह चार चल रहे हैं जियो के, तो अभी पता नहीं था मुझे वो कि कौन सा था, मामला था या मकाफात था, हमारा वो आई चल डोंट नो। चुका हुआ है ना मकाफात, मैं कल जाऊंगा, कौन सा जो हम दोनों वो ने वाला किया चल था गया है, कल। हमारे वाला कब चला है वो? मैंने प्रोमो वगैरह देखे थे उसके, जो अच्छा, जिसमें मैं तुम क्रिकेटर बना हुआ था वो। जिद्दी बहुत जिद्दी बच्चे बने हुए थे। अच्छा बच्चा, कल मैं फिर हूँ मकाफात पे, कल और परसों, कल तो मैं बहुत अच्छा बच्चा बना हुआ हूँ जो मैं एक्चुअली में अच्छा हूँ। चलो मैंने इंशाल्लाह मैंने उसको बोला, कमिंग बैक। सलमान को, मैंने सलमान को बोला, मैंने कहा सलमान भाई आप क्या कर रहे हैं यार, मुझे जो भी कैरेक्टर देते हैं आप मकाफात का, मैं पहले तो आपको पता है नेगेटिव नहीं करता था, आप मुझे नेगेटिव ही आप दे जा रहे हैं। तो उन्होंने कहा आसिम भाई आप डेट ही नहीं देते, वो बेसिकली मांग रहे होते हैं 2 दिन, तो मेरे पास डेट होती नहीं थी, तो मैं एक एक दिन दे रहा था उनको, तो 1 दिन वाला तो वही कैरेक्टर बचता है वो नेगेटिव वाला जो होता है। अब कल जो है, कल और परसों जो मैं कर रहा हूँ वो पॉजिटिव है, इट्स थ्रू आउट पॉजिटिव। सो मैंने कहा चलो चलो इंशाल्लाह आई एम कमिंग इसको भी जो है बैक वो, आफ्टर तुम कब कपल आ ऑफ रही हो? डेज, लाइव ही बता अच्छा अच्छा दूंगी। जल्दी आ नहीं, आई जाऊंगी। मीन टू से कि ईद करके तो नहीं आ रही ना? नहीं, मैं पहले आ रही हूँ, तो अच्छा, ओके, आई एम इट्स कमिंग एक गुड, दो दिन में, परसों आ रही हूँ। सही है।
मेरा नाम भी ले लो, मेरा नाम भी ले मेरा लो नाम भाई, भी ले, अच्छा ले कौन लेते है हैं। भाई? तनवीर मेरा नाम है अंसारी। तनवीर अंसारी तनवीर 58। तनवीर अंसारी 58 आसिम, आप चलो लाहौर आपकी में हैं या तुम कराची मिलते में? जी मैं कराची में रहता हूँ और मैं कराची में ही हूँ। वालेकुम असलाम। यार अब सुनिए, अब मैसेज मैं पढ़ने कराची हैं, वाली हूँ। बुरी बात है, बुरी बात है ऐसे, मतलब क्या 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 मैं कह रहा हूँ नीचे क्या बोला? मैसेज पढ़ते हैं, ऐसे बुरी बात है। ये कौन हाँ है, चलो चलो, कौन कौन है? आसिम भाई क्या खाया आज डिनर में? मैंने आज खाए थे राजमा चावल, राजमा चावल खाए थे। अच्छा जी, रमजान मुबारक और कैसा भाई जी, रमजान? रमजान कुछ मुबारक टू एवरीवन। अच्छा जी अल्लाह बिगेस्ट फैन, थैंक यू सो मच जी, थैंक यू सो मच फॉर एवरीवन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, प्लीज से माय नेम। अतीफा, कामरान क्या नाम था? अल्ताफ अतीफा नाम पर, था, राइट एक्चुअली। क्या नाम हाँ था? किसका क्या नाम था? तारफिया, तारफिया यार वेरी डिफरेंट है। वालेकुम अस्सलाम, सलाम ये भाई, आपकी क्या लगती है? तुम मेरी दोस्त है, मेरी को एक्ट्रेस है। आई नो राजमा चावल बहुत अच्छे होते हैं। ओके जी, आपकी रमजान मुबारक जी एवरीवन। बहुत अच्छे लगते हैं, थैंक यू सो मच जी। अतीक आई नो अतीक राजमा है, चावल। मेरा नाम लें से माय, सॉरी, कहानी सुनाओ, मजे की कहानी सुनाओ, मजे की कहानी सुनाओ, मजे की कहानी, मजे की कहानियां मुक्ति तो कहानी बहुत हमारे पास मगर मकाबात सुना कह नहीं रहा हूँ, सकते इंतकाम, इंतकाम के वक्त की बहुत मजे की कहानी है, है लेकिन वो ना, इट जरा इज यहाँ दैट ड्यू टू सम टाइटल। रीजन हम नहीं सुना सकते। वालेकुम अस्सलाम, आप लोग कितने भाई बहन हैं? अब किससे पूछ रही हैं आप कहानी? आसिम सर बता दें, लाइव बता दें, लाइव नहीं बता सकते ना, आसिम लाइव शाम क्या में, आसिम मुझे ये बताओ, तुमने इतने दिन में कितनी वेल्डिंग की है टर्की में? कुछ की है या नहीं? यार टर्की में तो तुम्हें पता है, तुम टर्की गई भी हो कि नहीं? टर्की हाँ, गई हुई हूँ। ऑब्वियसली तो फिर तुम्हें पता है, वहां तो आपका दिल चाहता है लड़के से भी वेल्डिंग कर लो इतने माशाल्लाह वो इतने वो हसीन लोग हैं यार। तो मैं तो वहां जाके ना सोच रहा था यार, वो है नहीं इस्तेक्लाल स्ट्रीट जो है वो तकसीम स्क्वायर की तरफ जाते हुए, तो आई वॉज थिंकिंग, मैंने कहा यार ये हलीमा तो ऐसे ही पाकिस्तान में मशहूर है कि बहुत प्यारी है, इतनी इतनी प्यारी खवातीन और इतने प्यारे मर्द हजरात माशाल्लाह, तो मतलब जो वहां प्यारे हैं देख वो के ना, बहुत प्यारे हैं, और जो वहां गोजे हैं वो बहुत वहां ही की गोजे खूबसूरती हैं। वहां की खूबसूरती देख के खूबसूरती अब अच्छी नहीं लगती मतलब ऐसे नॉर्मल हो गई है, मतलब खूबसूरत इंसान भी सामने आ जाए ना तो बंदा कहता है अच्छा ओके, मतलब आसिम आप इतने भी बहुत इतने हसीन प्यारे लोग हैं हैं भाई, वो ऐसे भी चुप चुप नहीं करो नहीं आप लेकिन लेकिन एक बात है, वहां वहां बहुत भी आराम से लोग पहचान लेते हैं हमें, उनको लगता है यहाँ तो ये मुझे मोस्टली लोगों ने कहा पाकिस्तानी, है यहाँ तो पाकिस्तानी, यहाँ पाकिस्तानी नहीं को तो अरबी, हर जगह ही पहचान यहाँ लेते हैं किसी उन्होंने कहा यहाँ तो पाकिस्तानी अरबी से। है, यहाँ कैन यू बिलीव मुझे ना नॉर्मली वहां पे पाकिस्तानी नजर, मतलब नजर तो आते रहे लेकिन किसी ने मुझे पहचाना नहीं। बट लास्ट नाइट जब मैं आने वाला था तो एक ही शॉप पे, एक ही शॉप पे तीन फैमिली पाकिस्तानी, उन्होंने तीनों ने पकड़ लिया मुझे, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मैंने कहा मैं तो कर रहा हूँ, आप क्या कर रहे हैं? तो खैर वो बड़ी अच्छी कन्वर्सेशन रही मेरी वहां पे ना उनके साथ। तो फिर एयरपोर्ट पे भी मुझे एक पाकिस्तानी फैमिली मिल गई, वो उनका वो वाया टर्की आ रहे थे पाकिस्तान अमेरिका से, तो इस तरह से तो मैंने कहा तो चलो आसिम आप रिकग्निशन तो अमेरिका है, कब जा शक्ल रहे की हैं? लोग पहचान रहे। तो आसिम यार आप मैं ईद अमेरिका के कब जा दूसरे रहे दिन हैं? जा रहा या हूँ, तो ईद आसिम के दूसरे दिन मेरी अमेरिका? फ्लाइट है। अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, गुड जितने आसिम। भी अमेरिकन हैं, मतलब पाकिस्तानी अमेरिकन हैं जो डेलिस में रहते हैं, ह्यूस्टन में रहते हैं या शिकागो में रहते ब्रिटिश हैं अमेरिकन आसिम आप वो तो नहीं है? नहीं मैं ब्रिटिश पाकिस्तानी एक्टर हूँ, हु वर्क्स हियर एंड देयर आसिम। मैं कश्मीरी पाकिस्तानी हूँ, तो आप तो मतलब ब्रिटिश एक्टर तो नहीं है जो हु वर्क्स हियर एंड देयर आसिम? अंगना। अच्छा जी अंगना कौन कौन देख रहा है भाई? अंगना आदना सॉरी तुम उसमें नहीं हो, लेकिन मुझे पूछना पड़ेगा अपने फैन से, क्योंकि हाँ हाँ अंगना दूंगा जो है वो दूंगा। बहुत अल्हम्दुलिल्लाह हिट चल रहा है मेरा, और उसमें करेक्टर भी बड़ा बढ़ गया है, तो हाँ, उसमें अल्लाह का आसिम शुक्र की है। दो कल जो शादियां एपिसोड हैं। आने वाली है ना अंगना की, वो बहुत बहुत कमाल की एपिसोड है, और आप लोगों ने मिस नहीं करनी। जीतो पाकिस्तान के फौरन बाद लगेगी वो। न्यूयॉर्क आपने तो इस जरूर मरतबा देखनी मैं है नहीं मेरे आऊंगा, 2 साल पहले जब मैं दोस्त आया का कल था। शो। आपने
अंगना शो आपने मेरे फ्रेंड का जरूर देखना है, ठीक है, और आपने अच्छे अच्छे फिर जो है ना रिव्यूज भी देने हैं अपने, क्योंकि कल की जो एपिसोड है ना, मैं तुम्हें भी बोलूंगा अपना आजला कल की एपिसोड लाजमी देखना, बेशक यूट्यूब पे देखना, बट उसमें जरा परफॉर्मेंस है करना भाई की, तुम बोलोगी यार कि मजा आया कल, बहुत बहुत मतलब ऐसा ऐसा सीन है, ऐसे सीन है जो मैं वेट कर रहा था कि यार ये कब आएंगे तो मैं देखूंगा, तो वो कल सीन आने वाले हैं, तो होता है ना आपको जो आप दे रहे हैं, कोई थैंक यू सो मच जी, हैदराबाद से सबको प्यार और पाकिस्तान से सबको प्यार और जो अमेरिका में रहने वाले हैं उनको भी प्यार, सबको प्यार। तो अच्छा तो अब आती हूँ मैं वापस, तो इंशाल्लाह फिर हम कोई अपना एक इफ्तारी प्लान करते हैं, तो हम मिलते हैं, बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है, बहुत सारी बातें जो करनी बहुत जरूरी है, और इंशाल्लाह पक्का करेंगे, पापा को भी बुला लेंगे, पापा आजकल बहुत जो है ना वो कमाल के पिक्चर्स पोस्ट कर रहे हैं, पूरे ऊपर से आ रहे हैं वो, उन्होंने दाढ़ी रख ली है एक नए स्टाइल की और फिर उन्होंने चश्मा पहन के काला, और वो जो है वो बेहतरीन फोटो शूट करवा के उन्होंने कल इकट्ठी उन्होंने कोई 7 तस्वीरें लगा दी, तो मैंने कहा मैं वेट नहीं करूंगा यार ही लव चिपका दूंगा जी रिप्लाई वो बेसिकली ना वो बेस कौन कह रहे हैं बातें करो ना ये पापा जो है ना, हाँ जी हाँ जी हम आम बातें करते थे, ओके जी जी सर जी बातें करेंगी बात जी, कराची वालों को तो भूल गया है, क्या भूल गया है अर्तुगरुल गाजी देखा आपने, आप लोग अर्तुगरुल गाजी देखें आप लोग, अच्छा जी चलो जी बंद करो लाइव सेशन, अर्तुगरुल गाजी देखो, मैंने के 3 सीजंस देखे हुए हैं बट उसके बाद फिर मेरे में पेशेंस खत्म हो गई थी क्योंकि हर थोड़ी देर तारीफा 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 तारीफिया तारीफिया यार ये कितना डिफरेंट नेम है तारीफिया, मेरा नाम भी तो डिफरेंट है आदला, हाँ वैसे तुम्हारा नाम भी डिफरेंट है, मतलब मैंने तो एक ही आदला देखी है और तुम बाकी कोई देखी, वो मैं ही हूँ कोई और हो नहीं सकता आदला, व्हाई आर यू बताओ जी, व्हाई आर यू सो ब्यूटीफुल, किसी ने लिखा व्हाई आर यू सो ब्यूटीफुल, नहीं यही मैं अपने मां बाप से भी पूछती हूँ, मतलब क्यों मैं इतनी प्यारी क्यों अच्छा जी किसी ने कहा जी अंगना की आज एपिसोड क्यों नहीं आई, अंगना की जो एपिसोड है वो रमजान में वेनेसडे और थर्सडे आया करेगी जी, तो पाकिस्तान के फौरन बाद वेनेसडे और थर्सडे, और कल वेनेसडे है मतलब आज तो हो गया है 12:30 हो गया, तो सियालकोट की भाइयों बहनों को मेरा सलाम, क्योंकि मैं खुद सियालकोट की हूँ पहचान, और क्या हाल है मेरे भाई जान देखो ऐसे बनते हैं जी, तुम्हें बहन आदिला, मेरे भाई का नाम आदिल नहीं है नहीं मतलब आदिल से निकलता ना ये भी, जैसे आदला का वो आदला नहीं का मतलब होता है जस्टिस, इंसाफ, इंसाफ पसंद, हाँ लेकिन कुछ नाम ऐसे ना कि वो लड़कों के भी होते हैं, जैसे आसिफ होता है, आसिफ से आसमा होता है, आसिम है तो आसिम से आसमा, ओके सियाल यार सियालकोट आ जाओ, सियालकोट आके क्या करूं भाई सियालकोट आ जाओ, लव फॉर माय होम, अच्छा सॉरी ओके जी, यस वी आर गुड फ्रेंड्स, रिलेशनशिप मैरिज अल्हम्दुलिल्लाह, हाय आसिम, हाय जी हाय, आसिम को बताएं मैं आसिम का लार्ज फैन हूं, आसिम यहां के ला ये लार्ज फैन कौन सा होता है भाई, लार्ज फैन कौन सा था, मैडम हाय मैडम हाय मैडम हाय मैडम मैडम हाय, आई मैडम आपकी पिक बहुत अच्छी होती है, आदला मींस इंसाफ जी, अंगना इज बेस्ट ड्रामा, हाँ अंगना, चलो जी मैं जरा आग लगा दूं अपने आप को, you both are amazing, thank you, oh my god, oh, I'm aisa lag raha hai main jhanum se baat kar raha hu, allah maaf kare, love from england manur khan, thank you so much, chalo ji acha ji wo log samne aaye jo
इमरान खान को सपोर्ट करते हैं, आईके को सपोर्ट करने वाले सारे लोग सामने आए। यार आई एम इनडिफरेंट। बस आपने लिखना है आईके, लिखना है बस आपने आईके, जो जो इमरान खान से प्यार करता है और वो चाहता है कि इमरान खान नेक्स्ट पीएम बने हमारा दोबारा, वो जरा आईके लिख दे, और जो नहीं चाहते वो भी लिख दे, वो लिख दे वो क्या लिखे वो क्या लिखे जो नहीं चाहते वो लिखे शेर, शेर लिखें या क्या नवाज शरीफ लिखें या जरदारी लिखें, बड़े बड़े केसेस। आप जिसको भी सपोर्ट करते हैं उसका नाम लिख दें, आप जिसको भी सपोर्ट करते हैं आप उसका नाम लिख दें, ये बेहतर है। अभी तक तो 4-5 नेम आईके के आए हैं, और आईके आईके ओके जी इमरान खान यस आईके। कोई कोई पटवारी नहीं बैठा हुआ यहाँ पे? अच्छा जी बहुत लेट आई। अच्छा जी बहुत यार लोग ना इमरान खान अंगना की एपिसोड वो इसलिए कि रमजान स्टार्ट हो गया ना तो वो जो सारी टाइमिंग चेंज हो गई। आदला ओ माय गॉड ओनली इमरान खान। फिरोज ओ भाई ये फिरोज वो नहीं है, पॉलिटिशियन नहीं है, पॉलिटिशियन की बात हो रही है। इमरान खान ओके जी आसिम सर ओ भाई नहीं नहीं सीरियसली बताए यार, लाइक आई एम नॉट जोकिंग, मैं बेसिकली देखना चाह रहा हूँ। ओ यार लोगों को समझ क्यों नहीं आ रही भाई, कोई इकराजीज लिख रहा है कोई कुछ लिख रहा है। अरे वी आर टॉकिंग अबाउट आइदर यू आर अ बिग सपोर्टर ऑफ इमरान खान और सम अदर पार्टी, दैट्स व्हाट वी वांटेड टू नो। आप इमरान खान को सपोर्ट करते हैं या आप किसी और को सपोर्ट करते हैं, नॉट दैट वी आर टॉकिंग अबाउट सम एक्टर और एक्ट्रेसेस, दिस इज व्हाट आई एम सेइंग। एग्जैक्टली। अच्छा किसी ने लिखा आइदर के साथ जुल्म ना करें, नहीं मैं जुल्म नहीं करूंगा, आप आगे आगे देखते जाएं इंशाल्लाह। आप लोगों को जितनी नफरत अमार के करेक्टर से हो रही है अभी आजकल उतनी मोहब्बत हो जाएगी बाद में जाके, क्योंकि अमार बहुत अच्छा लड़का। किसी ने कहा जी मैं किसी को सपोर्ट नहीं करती, ये बहुत बड़ा एहसान कर रही है मुल्क पे। आप वो नवाज शरीफ का भी कोई आया है, नवाज शरीफ के 3-4 आए हैं। वाह मैसेज रीड ही कर रहे हैं भाईजान, रूबी साहब आपसे आसिम सपोर्टिंग नून। नहीं भाई क्या हो गया, आप किसको सपोर्ट करते हैं आसिम? इमरान खान मैं सपोर्ट करता हूँ आई के हमेशा से। आई यूज्ड टू सपोर्ट इमरान खान बट आई एम इनडिफरेंट। जमात इस्लामी नवाज शरीफ भाई, नवाज शरीफ के सपोर्टर आए हैं, वाह जी वाह। नवाज शरीफ वो ठीक तो हो जाए पहले, वो तो लंदन में बैठे हुए हैं अभी, वो बीमार हैं, सख्त बीमार हैं वो। बहुत सख्त बीमार बहुत सख्त बीमार। उस दिन वो खड़े थे जनाब वो ठंड में और कोट पहना हुआ था उन्होंने, बड़ा महंगा था और स्कार्फ लिया हुआ था, तो मैं सोच रहा था यार इतनी ठंड में मरीज आदमी इतनी ठंड में कैसे लाइक बाहर खड़ा है, बहुत जुल्म है। लेकिन मोहब्बत देखें वतन से, इतनी वतन से मोहब्बत है उनको, उन्होंने कहा नहीं मैं सर्दी में खड़ा रहूंगा आवाम के लिए, और वो हमारे लिए वहाँ यूके गए हैं ना। गए भी हमारे पैसों से ही। आबिदा कहती है मेरा नाम लो आसिम, आबिदा ऐसे आबिदा तो मुझे ऐसे कह रही है जैसे जन पॉइंट पे नहीं कहता मेरा नाम लो। मेरा नाम जमात इस्लामी की मार्केटिंग ओके यूके। चेक वो कह रहे जमात इस्लामी की मार्केटिंग कर दी, मैं चेक भिजवा दूं। नहीं नहीं हम बगैर चेक के चलते हैं, डोंट वरी। जमीर की आवाज है। अगर चेक पे चलना होता तो सबसे ज्यादा चेक तो वो दे सकते हैं, पीपल्स पार्टी वाले दे सकते हैं। हाँ फजलुर रहमान आदला तुम सपोर्ट करोगी फजलुर रहमान को, उसको वोट देना। माशाल्लाह ऐसे ऐसे क्यों, क्या बात हो गई, इसमें क्या है, हम नॉर्मल बात कर रहे हैं, इसमें कमेंट वाली क्या बात? नहीं आई मीन नहीं मैं तो बिल्कुल भी नहीं सपोर्ट करती ना फजलुर रहमान को ना पीपल्स पार्टी को ना मैं सपोर्ट करती हूँ पीएमएलएन को, और मैं नहीं हूँ। आई डोंट नो अगर कोई और
आए तो मैं शायद उसको सपोर्ट करूंगा. आई डोंट वांट टू ये तो सपोर्ट है. इमरान खान ईदर, क्योंकि पता नहीं कौन, मुझे लगता है अंगना लंबे कब अरसे आएगा, दौर. कब, कल आएगा जी तो पाकिस्तान के बाद, अंगना कल और परसों आएगा, 2 दिन आया करेगा रमजान में. हेलो राबिया कहने हेलो आए. राबिया, हेलो राबिया, मुझे तो रिप्लाई ही नहीं दिया. मुनीद क्या कह रहे हैं, किस बात का रिप्लाई? प्लीज थैंक वन यू. मोर टाइम, आई वांट टू रिकॉर्ड. यार ये अच्छा है कोई रिकॉर्ड कर रहा है भाई हमारी कन्वर्सेशन, क्योंकि वो उनको नाम अच्छा, मेरा सुनना है अपना. तारीफ किया आसिम तारफिया, तारफिया असलम, आसिम नहीं, तारफिया असलम. असलम. अच्छा तारीफ असलम. अच्छा मैं ना जल्दी जल्दी में नाम पढ़ती हूँ, मैं ना फर्स्ट वो उसका पढ़ के दूसरा पढ़ती नहीं हूँ. हेलो. अच्छा खैर ये मजाक से जरा हट गया बात, तो मैं उस बात को इग्नोर कर देता हूँ. रुबाब को, अच्छा जी, अच्छा ये ड्रामे की बात करनी है. रुबाब को कहाँ भेज दिया है, दादी चली गई आमिना से, इतना एटीट्यूड. उफ उफ, अच्छा उफ, व्हाई यू सपोर्टिंग इमरान खान, ये आपको फ्यूचर में पता चल जाएगा, थोड़ी देर इंतजार कीजिए. आपको मूवीज नो, इट्स सेइंग सपोर्टिंग कि व्हाई इमरान खान. आर ओके जी, यू सपोर्टिंग, मुझे पूछ रहे हैं कि मैं क्यों सपोर्ट नहीं कर रही हूँ इमरान हाँ खान को. तुम बताओ, व्हाई यू आर नॉट सपोर्टिंग, आई एम यू नॉट आर हैप्पी सपोर्टिंग और नॉट? विद, नो आई एम नॉट, आई एम, बट द प्रॉब्लम इज कि देन इफ हु एल्स इफ नॉट कोई और इमरान भी, खान, देन हु दैट्स एल्स? द प्रॉब्लम, दैट्स द बिगेस्ट बिगर प्रॉब्लम हमारे पास. अगर मैं इमरान खान को सपोर्ट ना ज्यादा करना, बुरे से मे बी कम जो बुरा अच्छा नहीं है. हाँ, मेरे पास कोई और चॉइस नहीं है. अगर मेरे पास कोई बेटर चॉइस हो तो मैं उसे सपोर्ट करूँ. दो, आई डोंट हैव एनी चॉइस तो आई हैव टू, वो वाली चीज है कि आई डोंट हैव एनी अदर गुड ऑप्शन, दैट्स व्हाई आई हैव टू सपोर्ट इमरान खान. अदरवाइज कोई और अच्छी ऑप्शन हो तो मैं इमरान खान को भी चूज ना करूँ. दिस इज व्हाट माय बिल्कुल पर्सनल सही बात. ओपिनियन. ये क्या समबडी लिखा हुआ सेइंग जी, मिसिंग रंग महल. रंग आसिम महल? आप, तो क्या बात है, रंग महल तो गुजर चुका, पुरानी बात हो गई. रंग महल हाँ वो बात मकाफात थोड़ी की भाई बात बहन. यार. हाँ अच्छा हमने यासिन सरंगना हमने में वो आपका एज अ पॉजिटिव रोल कब आएगा? बस थोड़ी थोड़ी बस पॉजिटिव, कल से पॉजिटिव होना शुरू हो जाएगा इंशाल्लाह. चलो, तो उसमें नेगेटिव अस्सलाम क्यों वालेकुम. हो गया. वालेकुम अस्सलाम. नहीं नेगेटिव मतलब इस तरह से है, उसने 2 शादियां की हुई है, एक बाहर अमेरिका में की हुई है जो घर वालों को नहीं बताया, घर वालों ने जबरदस्ती किसी और लड़की से शादी कर दी है, अब दोनों में फंस गया है. तो वो अब दूसरी जो लड़की है जिसने अभी शादी की है उससे भी उसको मोहब्बत हो गई है, पहली वाली से तो थी ही. तो अब कल वाली एपिसोड में जरा ट्विस्ट आना शुरू होगा और लोगों को इंशाल्लाह मजा आएगा मेरा कैरेक्टर देख के. तो चलो गुड है. या सो इट वाज नाइस कैचिंग अप विद ऑल ऑफ यू गाइस, मजा आया आप या सबसे बात करके. और फिर इंशाल्लाह बात होती रहेगी, तो इंशाल्लाह. फिर एंड मैं थैंक्स फॉर देखता हूँ एक्सेप्टिंग माय अपनी. रिक्वेस्ट आदला खान. क्या, मैंने कहा थैंक यू सो मच फॉर एक्सेप्टिंग माय रिक्वेस्ट, ओह, अदरवाइज मैं यू कैसे वेलकम, ऑनलाइन यू आता आर आपके पास. ऑलवेज वेलकम, यू आर ऑलवेज वेलकम. और इंशाल्लाह हम ऐसे जो है ना सेशंस लगाते रहेंगे रोजों में, तो इंशाल्लाह सबसे इंशाल्लाह. अच्छा, अच्छी गुड हेल्दी कॉन्वर्सेशन बहुत जरूरी होती है. वैसे तो हम बोंगिया तो देखिए बहुत मारते थे शूट पे, बोंगिया मुझे तो बहुत. लगता है इतनी सेंसिबल बात हमने पहली बार की. हाँ नहीं वो फिर वो मौका होता है ना, और वैसे भी आजकल तो जरा नेकियां करने का हाँ वो ज्यादा होता है हाँ शौक, हाँ तो इसलिए हाँ जरा अच्छा वो है वाला थोड़ा एलिमेंट भी बहुत. है ना. चलो लेट मी कम हाँ एग्जैक्टली एंड देन वी विल मीट फॉर श्योर इंशाल्लाह इंशाल्लाह पापा के करते साथ. हैं, करते हैं प्लान. ओके पापा जी, इज बाय कंफर्म. बाय, अल्लाह ओके ख्याल हाफिज, रखें सब अपना. अल्लाह अल्लाह हाफिज जी, हाफिज, थैंक यू सो अल्लाह मच. ओके टेक केयर आदला.